साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे नई सिस्टम के साथ नई शुरुआत अपन करेंगे। हफ्ते में एक दो वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट मैंने नोट किया है कि गलत की तरफ कम है, और सच्चाई भी है कि आज के लोगों को नई कंट्री चाहिए, नया जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी, अच्छी पगार, अच्छे सपने, बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए उनको ये लगता है कि आप दूसरी कंट्री जाएंगे, क्योंकि गल्फ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक, इराक, कुवैत, ये तो कचरा हो गया। लोगों की सोच ये होती है यार यहाँ तो क्या रखा ही कुछ नहीं है, लोग 50 साल से जा रहे हैं, 20 साल, 30 साल से जा रहे हैं, हमारे वो रहता है, वो 20,000 कमाता है, वो 25,000 कमाता है, और लोगों के सपने होते हैं बड़े, तो वो फिर क्या होते हैं कि सर्च करते रहते हैं किसी एजेंट के चक्कर में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या फिर अच्छी अच्छी जॉब ढूंढते हैं जिनको उनको अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है, तो वो फिर जैसे मालदीव हो गया, मकाऊ हो गया, या फिर पोलैंड, हॉलैंड, हंगरी, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रियों के चक्करों में पड़ जाते हैं, और पढ़ने के बाद आपको पता है क्या होता है, एजेंट के जंगल में एक बार फंस गए ना फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज अपन बात करेंगे मकाऊ कंट्री से रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में आज फर्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे क्यों, कैसे, क्या होता है, सेकंड पार्ट में आप अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आप बोलोगे तो। ठीक है साथियों, तो आज अपन शुरुआत करेंगे मकाऊ कंट्री कैसी है, वहां पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट, क्या फायदे हो सकते हैं। मकाऊ एक टूरिज्म कंट्री है साथियों, घूमने के लिहाज से द बेस्ट कंट्री, सुंदर और छोटा सी कंट्री है, बड़ी कंट्रियां नहीं है ये, बहुत छोटी छोटी एक टापू टाइप की ये कंट्रियां होती हैं। ठीक है साथियों, अब मकाऊ की बात करें तो मकाऊ में साथियों सबसे पहले पुर्तगाल के अंडर में ये आता था, जैसे इंडिया आता था ना अंग्रेजों के अंडर में, ये उस तरह से पुर्तगाल का कब्जा था मकाऊ के ऊपर। ठीक है, फिर धीरे धीरे काफी टाइम के बाद में सन 1557 में ये चीन के कब्जे में चला गया, जी हाँ, चीन का इस पे आधिपत्य हो गया, और उसके बाद में अब तक पहले चीन का था, फिर पहले पुर्तगाल का था, फिर चीन का आधिपत्य हो गया, तो फिर संस्कृति दोनों की वहां अभी भी चलती है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो दोनों भाषाएं, पुर्तगाली भी वहां पे लोग बोलते हैं और चीनी भी लोग वहां पे बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज वहां पे चलती हैं। लेकिन बता दूं साथियों, ऊपर से एक तरह का कंट्रोल बॉडी चीन का है, लेकिन संविधान वहां पे चीन का लागू नहीं होता लगभग 2050 तक, मैंने मेरी जो जहां तक नॉलेज है वहां पे चीन का कोई उस पर आधिपत्य नहीं रहेगा, पूरी कानून व्यवस्था मकाऊ की संविधान की लागू होती है, पुलिस भी वहीं की है, सिस्टम भी वहीं का है, करेंसी भी उसकी वहीं की चलती है। अब बात करते हैं कि मकाऊ में 50% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा बौद्ध बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले 10% ओनली फॉर मोमडन है, वहां पे ज्यादा मोमडन नहीं है, बाकी अन्य जातियां वहां पे रहती हैं। ये साथियों वर्ल्ड का सबसे तेज गति से विकास करने वाला 9वां देश बन रहा है, वहां की इनकम की बात करें तो इतनी शानदार इनकम छोटी सी कंट्री में होती है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप मकाऊ जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं साथियों, वीजा आपका ऑन अराइवल होगा, किसी एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीजा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट जाओ, वहां पे आपके पासपोर्ट में ठप्पा लगेगा 1 मंथ का। ठीक है, 1 महीने का आपका वीजा पासपोर्ट के अंदर मोहर के माध्यम से लग जाएगा, प्लस आपको साथ में होटल बुकिंग, टिकट वगैरह आपको कंप्लीट करानी होगी। ठीक है साथियों, एयरपोर्ट पे आपका एक स्टम्पिंग के माध्यम से वही आपका वीजा है उसको वैलिड होता है, वो जो 1 महीने के लिए चलता है। अब करेंसी की बात करें तो साथियों मकाऊ में फताखा, अपने जैसे इंडिया में रुपया चलता है, दुबई में दराम, मलेशिया में आरम चलती है, वैसे वहां पे पताखा चलता है, करेंसी का नाम पताखा है, एक पताखा 9 रुपए इंडियन करेंसी बनता है। जी हाँ साथियों, वहां का अगर एक पताका होता है तो इंडिया का 9 रुपए बनेगा, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी का 18 रुपए बन जाता है, वहां का डबल है करेंसी वहां का डाउन होने की वजह से। ठीक है साथियों, अब जनसंख्या का बात करें साथियों तो मकाऊ में बहुत कम लोग रहते हैं, 5-6-7 लाख आदमी बस, इतना सा, यानी इंडिया का एक छोटा सा शहर मान सकते हैं। अगर आप मौज मस्ती से रिलेटेड जाना चाहते हैं, इंजॉय करने के लिए, पार्टिसिपेट, या फिर वीकेंड हॉलीडे वगैरह किसी भी प्रकार के, तो आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पता लगाया साथियों, 2 करोड़ से ऊपर लोग हर साल पुर्तगाल मकाऊ जाते हैं, जी हाँ 2 करोड़ से ऊपर लोग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है साथियों। ठीक है, अब वहां के लोग टोटल 5-6 लाख हैं, 2 करोड़ लोग वहां पे जाते हैं। वहां की बात करें साथियों तो वहां पे इनकम का क्या साधन है साथियों, मकाऊ में ओनली फॉर कसिनो चलते हैं, जी हाँ साथियों कसिनो, यानी 20-25% आबादी वहां की कसिनो चलाती है, और वहां की इनकम भी गवर्नमेंट को कसिनो के माध्यम से होती है। कसिनो में साथियों वहां की गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा, क्योंकि कसिनो का रीजन ये होता है कि लोग घूमने जाते हैं, जुआ वगैरह, कसिनो,
बार, यानी बहुत अलग अलग वो सिस्टम होते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा इनकम होती है कि वहां की गवर्नमेंट, जनसंख्या वहां की कम है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, वहां की गवर्नमेंट वहां के लोकल आदमी को 9,000 पताका यानी $1,200 वो हर आदमी को वहां के लोकल को सालाना गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है, ठीक है साथियों। और अगर बाहर से लोग जाके वहां पे नागरिकता ले रखी है जो वहां पे बस गए हैं, उनको 5,000 पताका यानी 650 लगभग डॉलर उनको सालाना गवर्नमेंट की तरफ से प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है, ठीक है। वो इनकम का गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है उसमें से वो वहां की अपनी लोकल जो लोग होते हैं उनको बांटती है सालाना के तौर पर, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं मकाऊ, क्योंकि जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लोगों कमेंट आते हैं, तो जॉब अब उसमें आपको क्या मिल सकते हैं, सबसे ज्यादा कैसीनो होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, आपको बाउंसर की अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप हाइट अच्छी है या फिर सिक्योरिटी गार्ड का आपको नॉलेज है, ये जॉब आपको मिल सकते हैं। होटल में किसी प्रकार का जॉब मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो घूमने इतने ज्यादा आप सोच नहीं सकते, तो वहां पे होटल बहुत ज्यादा है, तो ये होटल से रिलेटेड आपको कोई भी जॉब मिल सकती है। कैसीनो में जॉब आपको मिल सकती है, बार में, रेस्टोरेंट में, इन ये ही जॉब है वहां पे, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हो गया, बाउंसर हो गया, होटल में किसी भी प्रकार की जॉब हो गया, कैसीनो में जॉब हो गया, बार में, रेस्टोरेंट में जॉब हो गया, ठीक है साथियों। वहां के 20 से 25% लोकल आदमी इसी को बिजनेस को करते हैं, क्योंकि ये जॉब आपको वहां पे मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जॉब किस तरह से मिले, कितनी तनख्वाह मिले, वीजा कैसे मिले, मिले तो उसको चेक कैसे करें, या फिर एजेंट को कितना पैसा इसको देना चाहिए, वीजा किस तरह से लेना होता है, कितने टाइम का होता है, कैसे जॉब सर्च करें, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आप मकाऊ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड पूरी इंक्वायरी लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा दें, ताकि हर रोज इसी प्रकार के नए टॉपिक पे आपको जानकारी मिलती रहे, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।